चवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब वक्त है महिलाओं के 79 किलोग्राम वर्ग मुकाबले का। देवी और सज्जनों, रेवांता मुंबई गरुड़ा से आ रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मूल की और उनकी कप्तान एडलाइन ग्रे। वापसी करने की जरूरत रेवांता मुंबई गरुड़ की टीम को, क्योंकि हरियाणा हैमर्स की टीम इस समय 2-1 से आगे पीडब्ल्यूएल के फाइनल में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन, मेरे साथ प्रीति दहिया और जगदीश कारी। रमन का स्वागत। शुक्रिया रमन। और जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा हैमर्स ने 2-1 की बढ़त तो ले ली है, लेकिन गीतिका झाकड़ के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। एडलाइन ग्रे डाउनराइट फेवरेट है और कोई दो राय नहीं उसमें। देखिए, यहाँ पर अगर हम गीतिका झाकड़ की बात करें तो वो 63 केजी की रेसलर हैं, और क्योंकि उनकी कैटेगरी यहाँ पर इस लीग में नहीं थी, इस वजह से उनको 69 में खेलना पड़ा। और अगर हम बात करें एडलाइन ग्रे की, तो वो 75 केजी की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वेट कैटेगरी का बड़ा फर्क पड़ता है। हालांकि एडलाइन ग्रे एक तरीके से हम कहें कि ऐसी खिलाड़ी हैं जिसकी हम शब्दों में वर्णना नहीं कर सकते। प्रकाश पुनिया ये कहते हुए कि एक तरफा कॉन्टेस्ट जैसे फुटबॉल के अंदर यूएसए वर्सेस इंडिया हो, वन साइडेड एट इट्स बेस्ट। और आप भी अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ हैशटैग खेल फौलादी अपने ट्वीट में इंक्लूड करके। और तकनीक और एक्सपीरियंस से ज़्यादा रमन, एडलाइन का जो एटीट्यूड रहा है पूरी ही प्रो रेसलिंग लीग में, वो उन्हें एक बेहतरीन रेसलर की तरह सामने लेके आता है। बिल्कुल प्रीति, ऑन द बैक ऑफ द मैट एक चैंपियन की तरह वो निकल कर आती हैं। और जो थोड़ी देर पहले जगदीश कह रहे थे कि ये प्लस 79 केजी कैटेगरी है, ये प्लस 69 केजी कैटेगरी, 69 नहीं बल्कि प्लस 69, तो यानी 75 केजी तक का आपके पास वो बैंडविड्थ है और 2 किलो का मार्जिन और ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि 77 केजी की भी रेसलर खेल सकती है। तो अगर हम बात करें एडलाइन की, तो उनका वेट 75 से ऊपर ही रहता है हर खिलाड़ी का, 1-2 किलो, तो वेट काफ़ी मैटर करता है। हालांकि अच्छा मुकाबला कर रही है गीतिका झाकड़ और एडलाइन धीरे धीरे उन पर हावी होते हुए, और एक कॉशन प्लस पॉइंट जो रेफरी ने शो किया था वहां पर, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई अभी। और एडलाइन चाहे कितनी भी बड़ी रेसलर हो, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती। कल उनकी बहन जिनीवा ग्रे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थी और वो भी कह रही थी कि गीतिका झाकड़ की जो रेसलिंग टेक्निक है उसे भी उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मानती है कि बहुत अच्छा डिफेंस करती हैं गीतिका। पिछली बार जब ग्रुप स्टेज में ये दोनों रेसलर्स आमने सामने थी तो 7-1 से विजयी रही थी एडलाइन ग्रे, तो काफी देर तक रोक के रखा था गीतिका झाकड़ ने। एडलाइन ज्यादातर भाई टेक्निकल फॉल या बाय फॉल मुकाबले जीत रही थी, तो इतनी देर तक रोक के रखना वो अपने आप में एक काबिलियत थी। बिल्कुल, गीतिका झाकड़ के पास एक लंबा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुभव है और उसका फायदा उनको यहाँ पर मिला, और ये बाहर धकेलने में सफल हुई। पैसिविटी जोन से प्रोटेक्शन एरिया में यहाँ पर धकेल दिया और 1 अंक मिला। जगदीश, जो भी कोई अगर आपका ओपोनेंट बहुत ज्यादा पैसिव होता है, तो हमने देखा है कि रेसलर जो दूसरा है अग्रेसिव रेसलर, सबसे सेफ पॉइंट होता है कि बाहर धकेल दो, उनकी पैसिविटी को तोड़ो, उन्हें उकसाओ कि कुछ अग्रेशन दिखाओ। देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये जो रूल्स में चेंज किया था, ये इसलिए किया गया था कि रेसलिंग और ज़्यादा अग्रेसिव हो, रेसलिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और स्पेक्टेटर फ्रेंडली हो। और यहाँ पर यही हो रहा है, जब लगता है दूसरे खिलाड़ी को कि वो क्लियर अटैक नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर वो बाहर धकेलने की कोशिश करता है कि कम से कम 1 अंक उसके खाते में आए। एक सिमिलैरिटी है फोगट सिस्टर्स और ग्रे सिस्टर्स के बीच, 5 बहने कजन्स रेसल करती हैं फोगट फैमिली के अंदर, 4 बहने हैं एडलाइन ग्रे की फैमिली के अंदर, उनको मिला के फादर रेसलर, वो खुद एक रेसलर, उनकी छोटी बहन जिनीवा एक रेसलर जो कि पहले फुटबॉल भी खेलती थी, एक स्पोर्टिंग फैमिली से आती हैं, कोलोराडो स्प्रिंग्स यूएसए से। लेकिन यहां पर पॉइंट बटोरने की कोशिश, जी हां, टेक डाउन किया
और यहाँ पर अंक बटोरे हैं दो। खचा खच भरा हुआ आईजी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर, लगभग 6000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर और इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। लेकिन पिछले राउंड के आखिर के सेकंड्स के अंदर जब पॉइंट स्कोर किया कृतिका जाखड़ ने, देखिए हेडबट किया था एडलाइन ग्रे को, जो कि जगदीश अलाउड नहीं है। देखिए ये हेडबट नहीं था, कई बार रेसलिंग में ऐसी सिचुएशन आती है जब सिर लग जाता है। पर देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब आखिर में पॉइंट स्कोर किए तो हरियाणा हैमर्स के खेमे का ये कहना था कि समय समाप्त हो गया था जब वो आखिरी दो अंक एडलाइन ग्रे ने लिए। चोटिल भी हुई उस मैन्यूवर के अंदर कृतिका जाखड़, तो प्रोटेस्ट किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। 5-0 की बढ़त है अभी भी एडलाइन ग्रे के पास। और प्रीति चोटिल लग रही है यहाँ पे कृतिका काफी ज्यादा। जी रमन, और ऐसा लगता है कि अपना थोड़ा टाइम लेंगी मेडिकल अटेंशन के लिए, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है राउंड टू में उतरने के लिए। थोड़ी सी फिक्र की बात है हरियाणा हैमर्स के लिए। पहला राउंड कृतिका जाखड़ वैसे ही हार गई है एडलाइन ग्रे से और अब दूसरे में चोटिल है। पिछले 16 दिनों में इन जाबाज रेसलर्स ने सब सहा है, खून पसीना एक किया है आज इस फाइनल के लिए। देखिए क्योंकि कृतिका जाखड़ को चोट लगी और जब ब्लड आ जाता है तो वहाँ पर मेडिकल टाइम आप ले सकते हैं, अगर ब्लड नहीं आता है तो आप मेडिकल टाइम नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर बैंडेज लगी हुई है कृतिका की सिर पर, और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से सिर लगा था, ये अटैक करने की कोशिश थी और यहाँ पर सिर हिट हो गया था। देखिए अब यहाँ पर जब गिरी थी, सवाल ये जगदीश कि क्या समय पूरा हो गया था, ये भी एक और बात। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का फैसला ज्यूरी ऑफ अपील नहीं लेना है, हालांकि सीटी बजा दी थी और वो पीछे आ गई थी। तो ये था मैन्यूवर जिसपे पॉइंट लिए, हेडलाइन गिराने में कामयाब रही कृतिका को, टेक डाउन किया और उसके बाद पीछे आई कृतिका जाखड़ के। देखिए जब तेजी से आई पीछे और तभी सीटी बजी थी पहले राउंड के समाप्त होने के लिए। और जी हाँ, वो अपील जो है वो नाकारी जाती हुई हरियाणा हैमर्स की, और उसके तहत क्योंकि अपील नाकारी गई, रिजेक्ट करी गई, एक अंक और मिलता हुआ एडलाइन ग्रे को, चिंताएं बढ़ती हुई हरियाणा हैमर्स के लिए। जी बिल्कुल, एक और झटका ही कह लीजिए, कृतिका जाखड़ और एक अंक से पीछे हो गई है। एडलाइन ग्रे पूरी तरह से फोकस्ड, कुछ भी उनका फोकस फिलहाल हटा नहीं सकता है। आइकॉन खिलाड़ी, कप्तान विवांताज मुंबई गरुड़ा की, और शुरुआत से आखिर तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब एडलाइन ने अपना फोकस खोया हो। लेकिन बहुत अग्रेसिव है कृतिका। देखिए जब शेरनी घायल हो जाती है तो तब उसमें जोश आ जाता है, और यहाँ पर अब यहाँ पर घायल होने के बाद उनको गुस्सा आ रहा है कि वो कुछ करके दिखाए। यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा रोमांचक मुकाबला आगे देखने को मिलेगा। लेकिन होश में खेल रही है एडलाइन ग्रे, गुस्सा भले ही कृतिका जाखड़ को आ रहा हो, एडलाइन ने अपना आपा नहीं खोया, अभी भी बिल्कुल अपना संतुलन बनाए हुए, जानती है जीत दर्ज करनी है उनको, जीत दर्ज करेंगी तभी उनकी टीम बराबरी पर आएगी। प्रीति जी बिल्कुल, लेकिन एडलाइन इस समय बहुत फोकस्ड है, उन्हें पता है कि वो तकनीकी बल पर इसको अभी भी अपने नाम कर सकती हैं और फिर से अंक हासिल करते हुए उस मूव के साथ। लेकिन कृतिका जाखड़ ऐसा लगता है कि जोश में होश खो बैठी है फिलहाल। बिल्कुल, दो अंक और बटोरती हुई इसी बीच एडलाइन ग्रे, और अब बढ़त 8-0 की है। और यहाँ पर ब्लड आ रहा है आंखों में से, जहाँ पर चोट लगी है कृतिका को। और स्टेडियम में भारतीय कुश्ती की एक बहुत बड़ी हस्ती बैठी हुई है, सुशील कुमार, जो कि जिन्होंने भारत का नाम इस तरीके से रोशन किया, दो ओलंपिक मेडल जीते बैक टू बैक, और उनके गुरु सतपाल जी, पद्मश्री द्रोणाचार्य, वो भी यहां पर मौजूद हैं स्टेडियम में। आज खून आ गया है कृतिका जाखड़ को और मेडिकल टाइम लिया गया है। इनफैक्ट रेफरी ने बोला कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है क्योंकि उनका बैंडेज हट गया था, और कृतिका जाखड़ को फिर से भेजा गया है वो लगवाने के लिए। यहाँ पे मुश्किल में दिख रहे हैं कृतिका जाखड़, लेकिन वहीं बहुत रिलैक्स दिखता हुआ मुंबई का खेमा। अभी भी समय बाकी है लेकिन बढ़त जिस तरह की एडलाइन ग्रे ने बना ली है, यह मुकाबला एक तरफा। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन एडलाइन ग्रे रिवांताज मुंबई गरुड़ा के लिए आज तक जितने भी मुकाबले खेले हैं उन्हें प्रो रेसलिंग लीग में, बैक टू बैक मुकाबले भी हुए हैं मुंबई की टीम के लिए। लेकिन फटीग फैक्टर, जिसे शुरुआत से सब लोग डाउट कर रहे थे कि शायद मुंबई पर हावी होगा, थकावट कहीं होगी, लेकिन इस रेसलर में थकावट का कोई नामो निशान नहीं। और याद रखें कि आइकॉन खिलाड़ी और कप्तान को हर मुकाबला खेलना पड़ा है, वो एक बार भी ब्लॉक नहीं हुए। और अमेरिका की टीम के लिए अगले साल ओलंपिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है स्क्वाड के लिए। यूएसए के अंदर जो फाइनल ट्रायआउट्स होंगे अप्रैल में होंगे अगले साल,
रियो ओलंपिक्स के लिए और उसके लिए एक बहुत बड़ी दावेदार है गोल्ड मेडल के लिए। यहाँ पे दो अंकों पर दौड़ती हुई और इसी के साथ 10-0 की बढ़त बना ली है, यानी कि इस मुकाबले को जीता है बाय टेक्निकल सुपीरियोरिटी, टेक्निकल फॉल्ट से एडलाइन ग्रे विजयी। पीडब्ल्यूएल में एक भी मुकाबला इन्होंने नहीं हारा है। जगदीश्वर क्या रिलैक्स लगती हैं, एक चैंपियन की तरह लड़ती हैं। बिल्कुल, काफी फोकस रहती हैं और बहुत कूल माइंडेड रहती हैं, अपनी पेशेंस को कहीं पे लूज नहीं करती हैं। अगर सामने वाला खिलाड़ी या सामने वाली पहलवान कोई इलीगल होल्ड करती है या इस तरह, मतलब वो उत्तेजित नहीं होती है, अपना उनका एक रेसलिंग स्टाइल है और उसको वो फॉलो करती है। जगदीश, उसके लिए बहुत अच्छा होमवर्क भी करके आती है अपनी बहन के साथ मिलके, एक एक रेसलर को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती हैं दोनों बहनें, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करती हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करती हैं यहाँ पर। और इसी के साथ रिवांताज मुंबई गरुड़ा 2-2 की बराबरी। उदय गरुड़ा 4 को ओनर बहुत खुश लगते हुए रिवांताज मुंबई गरुड़ की टीम के, और जिनीवा उनकी छोटी बहन एयरलाइन के साथ पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर निकली है, इस ट्रिप पर आई है इंडिया। एयरलाइन वन मोर विक्ट्री Tonight, I'm not going to ask you how you feel after winning this. Tonight, I want to ask you, have you ever thought about it? How does your opponent feel when they get to know that they have to fight you? Oh, I don't know if I really care about that. I just care about me stepping on the mat and doing my job. So I'm glad I brought home a win for my team. Do you know that I think they lose their color vision and they can only see gray after that? You know, I could see that. You know, I slammed their head pretty hard on the mat, so I'm excited that I came out on top. I'm still seeing in color, so that's good. This was your last match in India. What will you take back? You know, the fans here are awesome. I'm so happy that everybody came out and just so excited to see all these wonderful people excited about wrestling. Well, I want to see a little victory dance from Adeline Gray, who's never lost. Oh, come on, let's have one. So actually, Ritu taught me this dance, and it's a little bit from a Bollywood music. So you'll have to tell me how I do, but it's like...